सरकार ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निजीकरण कर दिया है, अपने जो शेयर है उसका विनिवेश कर दिया है। सरकार चाहती है कि ये काम निजी हाथों में चले जाए। सरकार अगर चाहती है कि लोक परिवहन की सुविधाएं जो हैं वो निजी क्षेत्र से आए, ठीक है। सरकार चाहती है कि बड़े महंगे जो उपकरण बनते हैं वो निजी क्षेत्र से आए, ठीक है। सरकार अगर चाहती है कि सड़क बनाने के काम या दूसरे अन्य ठेके जो हैं वो लोक निर्माण के काम है वो भी निजी क्षेत्र से आए और निजी क्षेत्र का इसमें निवेश हो, वो भी ठीक है। लेकिन शिक्षा जो देश के भविष्य का निर्माण करती है, शिक्षा जो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करती है, क्या उसका भी इस तरीके से निजीकरण हो जाए कि शिक्षा केवल पैसे से तोली जाए? अभी दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मासूम बच्चे की हत्या हो गई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार आखिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सुविधाएं क्यों नहीं दे पाई जो उसको देनी चाहिए थी? और इसीलिए आज पूरा देश और खास तौर पर इस देश का मध्यम वर्ग शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर पैसे लूटने वाले भूखे भेड़ियों के सामने लाचार है, मजबूर है। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं अच्छे स्तर की, उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जरा सोचिए।